शब्द रूप। अब धातु रूप पर जाते हैं। धातु रूप के दो प्रकार से धातुएं परस्मैपद आत्मनेपद, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जो परस्मै और आत्मनेपद दोनों रूपों में चलती है, उनको हम कहते हैं उभयपद धातु। तो उन दोनों प्रकार की धातुओं के परस्मैपद और आत्मनेपद धातुओं के जो प्रत्यय है, धातु रूप में तीन पुरुष, प्रत्येक पुरुष में तीन वचन, तो इस तरह एक धातु अगर परस्मैपद है तीनों पुरुषों के अंतर्गत, वो नौ स्थान निर्धारित करेंगे। तो परस्मैपद के नौ प्रत्यय, आत्मनेपद के भी नौ प्रत्यय, इनको हम कहते हैं तिंग प्रत्यय। क्या कहते हैं? तिंग प्रत्यय। जैसे ये बनाया हमने सुख, उसी प्रकार से तिंग प्रत्यय बनाते हैं। शुरू कीजिए मेरे साथ बोलिए, तिप्तस्थी सिद्धस्थ है मिपवस्मस, आगे बोलिए आपने लिखिए तयाताम है आसाताम ध्वम इत्वहिं महिं। तो इस तरह से आपने 18 प्रत्ययों का प्रयोग किया। अब ध्यान दीजिए, पहला प्रत्यय हमने लिया तिप, तिप का हमने ती ले लिया, और लास्ट प्रत्यय जो 18वां था उसका अंतिम अक्षर इट वहीं महीं, तो वहां पर वो आएगा ङ, नासिका पे उच्चारण कीजिए इसका, अड़े पर बोलना इसको ङ, और इस ती पर लगाएंगे तो ये कहलाएगा तिंग। कौन सा प्रत्यय हुआ? तिंग प्रत्यय। इधर से मैडम पवित्रा, पवित्रा मैडम कौन सी है?